सो हेलो गाइज, मैं हूँ सोमोजित और स्वागत है मेरे और एक नए वीडियो पर। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ रेनॉल्ट ट्राइबर का जो सबसे बेस वेरिएंट आता है, ठीक है, जो है इसका RXE वाला वेरिएंट, उसका एक डिटेल वॉकराउंड रिव्यू और आपको अंदर में क्या क्या फीचर्स कंपनी ऑफर करता है इस 7 सीटर बेस वेरियंट कार में, ठीक है, जो कि है रेनॉल्ट ट्राइबर RXE। गाइज हम लोग पहले इसके की से स्टार्ट कर लेते हैं। सो आपको यहाँ पर कुछ ऐसे दो कीज कंपनी ऑफर करता है, ठीक है, यहाँ पर आपको सेंट्रल लॉकिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है, ठीक है, आपको एकदम पूरा नॉर्मल बेसिक सा की आपको दिया गया है और आपको पीछे में, ठीक है, ऐसा रेनॉल्ट का जो लोगो है, ठीक है, वो आपको देखने के लिए मिल जाता है। सो अभी हम लोग पहले इसके फ्रंट प्रोफाइल से स्टार्ट कर लेते हैं। सो आपको फ्रंट में यहाँ पर एकदम पूरा प्रोजेक्टर में, ठीक है, यहाँ पर आपको हेलोजन हेडलाइट्स मिल जाता है और आपको इसका जो हाई बीम है, ठीक है, वो आपको नॉर्मल रिफ्लेक्टर बेस्ड में दिया गया है और आपको यहाँ पर साइड टर्न इंडिकेटर और आपको यहाँ पर एक स्मॉल पायलट लैम्प, ठीक है, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है। फ्रंट ग्रिल आप देख सकते हो मैट ब्लैक फिनिश में आपको दिया गया है और आपको बीच में यहाँ पर रेनॉल्ट का जो लोगो है वो आपको देखने के लिए मिल जाता है। फ्रंट फुल बॉडी कलर फ्रंट बम्पर आपको यहाँ पर दिया गया है और आपको नीचे में एकदम पूरा मैट ब्लैक में, ठीक है, इसका जो स्किड प्लेट है वो आपको देखने के लिए मिल जाता है। फ्रंट बोनट में आपको क्रीज लाइंस मिल जाता है। डुअल वाइपर विद अ सिंगल वॉशर का जो सेटअप है वो आपको देखने के लिए मिल जाता है इन द ट्राइबर RXE बेस वेरिएंट। सो गाइस ये है इसका एकदम पूरा फ्रंट प्रोफाइल से लुक। अभी मैं आपको इसका साइड प्रोफाइल से जो लुक है, ठीक है, वो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। और गाइस ये है साइड प्रोफाइल से लुक ऑफ द रेनॉल्ट ट्राइबर RXE बेस वेरिएंट। आपको ट्राइबर में फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स और आपको रियर में ड्रम ब्रेक्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है और आपको स्क्रीन में इसका व्हील बेस और आपको इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको स्क्रीन में शो हो रहा है। सो गाइस अभी हम लोग पहले इसके व्हील से स्टार्ट कर लेते हैं। सो आपको ट्राइबर के बेस वेरिएंट में, ठीक है, यहाँ पर आपको नॉर्मल स्टील व्हील्स देखने के लिए मिल जाता है और आपको यहाँ पर कोई भी व्हील कवर्स वगैरह, ठीक है, नहीं मिलता है। आपको नॉर्मल ऐसा ही रिम आपको यहाँ पर कंपनी ऑफर करता है और इसमें आपको मिलता है 165/80 R14 इंच में आपको यहाँ पर रेडियल ट्यूबलेस टायर्स दिया गया है और आप यहाँ पर एकदम पूरा व्हील आर्च देख ही सकते हो। साइड टर्न इंडिकेटर ऑन द व्हील आर्च। ORVM आपको यहाँ पर एकदम पूरा मैट ब्लैक फिनिश में फुल्ली मैनुअली एडजस्टेबल साइड ORVMs आपको दिया गया है। ब्लैक कलर में डोर ओपनिंग हैंडल। ए पिलर बी पिलर एंड सी पिलर ऑल आर इन फुल बॉडी कलर। फ्यूल फिलर कैप आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है और आपको स्क्रीन में शो हो रहा है, ठीक है, इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी। और गाइस ये है एकदम पूरा ट्राइबर RXE, ठीक है, बेस वेरिएंट का साइड प्रोफाइल से लुक। सो गाइस अभी मैं आपको इसका एकदम पूरा रियर प्रोफाइल से जो लुक है, ठीक है, वो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। सो गाइस ये है ट्राइबर RXE बेस वेरिएंट का रियर प्रोफाइल से लुक। रियर टेल लैंप्स की अगर हम बात करते हैं, सो आपको यहाँ पर एकदम पूरा हैलोजन टेल लाइट्स दिया गया है, ठीक है, आपको यहाँ पर स्टॉप लाइट साइड टर्न इंडिकेटर और आपको यहाँ पर रिवर्स लाइट देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। रेनॉल्ट का जो लोगो है वो आपको दिया गया है और आपको नीचे में यहाँ पर ट्राइबर का जो बैजिंग है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है इन क्रोम फिनिश। रेयर ग्लास और आपको ऊपर में हाई माउंटेड स्टॉप लाइट मिल जाता है इन फुल LED। रेयर बम्पर विथ 3-point रिवर्स पार्किंग सेंसर। और गाइस इसका रेयर का जो बम्पर है, ठीक है, वो आपको थोड़ा सा बॉडी कलर मिल जाता है यहाँ से और आपको एकदम पूरा नीचे का जो पोर्शन है वो आपको मैट ब्लैक में दिया गया है। और ये है गाइस एकदम पूरा ट्राइबर RXE बेस वेरिएंट का ओवरऑल रेयर प्रोफाइल से लुक। अभी मैं आपको कार के अंदर में क्या क्या फीचर्स कंपनी ऑफर करता है सारे अभी मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो लेट्स गो इनसाइड द कार। अभी हम लोग पहले इसके ड्राइवर साइड डोर ट्रिम से स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस ये है ट्राइबर RXE बेस वेरिएंट का ड्राइवर साइड डोर ट्रिम। आपको यहाँ पर ब्लैक कलर का ऊपर में दिया गया है और आपको नीचे में एकदम पूरा एक बेज कलर के कॉम्बिनेशन के साथ इसका जो डोर ट्रिम है वो आपको दिया गया है। अगर गाइस आप यहाँ पर म्यूजिक सिस्टम जब आप इंस्टॉल करोगे, ठीक है, यहाँ पर आपको स्पीकर का जो इंस्टॉल का जो प्लेसमेंट है वो आपको यहाँ पर दिया गया है। आर्मरेस्ट ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पर मिल जाता है और आपको यहाँ पर फ्रंट टू जो पावर विंडो का जो कंट्रोल्स है वो आपको यहाँ पर दिया गया है। और गाइस ये है ट्राइबर RXE बेस वेरिएंट का एकदम पूरा डैशबोर्ड का लुक। सो अभी गाइस मैं कार के अंदर में बैठ के आपको सारे फीचर्स एकदम पूरा, ठीक है, एकदम पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो लेट्स सिट इनसाइड द कार। सो गाइस अभी मैं बैठ चुका हूँ ट्राइबर RXE के अंदर और आप इसका एकदम पूरा डैशबोर्ड का जो थीम है, ठीक है, वो आप देख ही सकते हो। ऊपर में आपको एकदम पूरा ऑल ब्लैक और आपको नीचे में यहाँ पर एकदम पूरा बेज कलर का जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, आपको एकदम पूरा इसका जो डैशबोर्ड है वो आपको दिया गया। और गाइस आपको यहाँ पर कोई भी म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता है, ठीक है, आप
आप यहाँ पर डीलरशिप से, ठीक है, या फिर आप आफ्टर मार्केट इजिली इंस्टॉल करा सकते हो। सो अभी गाइस पहले कार को ऑन कर लेते हैं। सो आपको यहाँ पर कुछ ऐसे मैनुअल सा की मिल जाता है और आपको यहाँ पर इसको इंसर्ट करना पड़ता है। और ये है ट्राइबर RXC बेस वेरियंट का एकदम पूरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ठीक है। यहाँ पर आपको इसका जो RPM मीटर है, ठीक है, वो आपको यहाँ पर मिल जाता है, और आपको बीच में एक स्पीडोमीटर, और आपको यहाँ पर इसका जो इंजन का जो टेम्परेचर है, ठीक है, वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। फ्यूल का जो लेवल है, ठीक है, वो आपको यहाँ पर दिया गया है। और आपको ट्राइबर RXC में इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है, नो कंट्रोल्स, क्योंकि आपको यहाँ पर कोई भी म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता, ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पर कोई भी कंट्रोल्स वगैरह नहीं दिया गया है। और लाइट्स के कंट्रोल्स, और आपको यहाँ पर फ्रंट वाइपर के जो कंट्रोल्स है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। AC वेंट फॉर द ड्राइवर, और आपको यहाँ पर हैजर्ड लाइट के जो कंट्रोल है, ठीक है, वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। और आप यहाँ से रियर बूट को अनलॉक कर पाओगे, और आप यहाँ से ट्रैक्शन को ऑफ कर पाओगे। आपको यहाँ पर एकदम पूरा मैनुअली कंट्रोल AC दिया गया है। आप यहाँ पर फोन वगैरह इजिली रख पाओगे, और आपको यहाँ पर एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट दिया गया है। 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन, और आपको यहाँ पर एक मैनुअल हैंड ब्रेक दिया गया है। 2 कप होल्डर्स आपको यहाँ पर मिल जाता है, और आप यहाँ पर कोई भी, मतलब 1 लीटर का जो बॉटल है, ठीक है, जो बड़ा साइज का जो बॉटल है, ठीक है, वो आप यहाँ पर इजिली कैरी कर पाओगे। ग्लोव बॉक्स आपको दिया गया है विथ सम डिसेंट स्पेस। रियर व्यू मिरर आपको मिल जाता है। ऊपर में आपको यहाँ पर रीडिंग लाइट दिया गया है इन अ वाइट LED। ड्राइवर साइड सनसेड, ड्राइवर साइड सनसेड, ठीक है, विद अ स्मॉल टिकट होल्डर। और गाइस ये था एकदम पूरा इसका जो डैशबोर्ड है, ठीक है, उसका लुक। अभी मैं आपको इसका सेकेंड रो और इसका जो थर्ड रो है वो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। गाइस अभी मैं आपको इसका जो सेकेंड रो है, ठीक है, वो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। सो ये है इसका सेकेंड रो डोर, ठीक है। आपको यहाँ पर ऊपर में ब्लैक कलर दिया गया है, और आपको यहाँ पर जो बेज कलर मिलता है, ठीक है, वो आपको यहाँ पर दिया गया है। और आपको यहाँ पर बॉटल होल्डर, स्पीकर का ग्रिल, आपको रियर में यहाँ पर एकदम पूरा मैनुअली कंट्रोल विंडोज आपको दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर आपको एकदम पूरा मैनुअली कंट्रोल विंडोज आपको देखने के लिए मिल जाता है। और आपको यहाँ पर, ठीक है, डोर ओपनिंग हैंडल दिया गया है। गाइस ये है एकदम पूरा रेनॉल्ट ट्राइबर का जो सेकेंड रो सीट्स है। आपको यहाँ पर एडजस्टेबल सेकेंड रो का जो हेडरेस्ट है वो आपको दिया गया है, और आपको एकदम पूरा डुअल टोन कॉम्बिनेशन के साथ, ठीक है, इसका जो सीट्स है वो आपको देखने के लिए मिल जाता है। फ्रंट डैशबोर्ड का लुक फ्रॉम द रियर। अभी मैं आपको इसका जो थर्ड रो है, ठीक है, वो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। सो गाइस अभी मैं इस सीट को एकदम पूरा आपको फोल्ड करके दिखा देता हूँ, ठीक है। सो आपको यहाँ पर इसका एक जो कंट्रोल है, ठीक है, वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। आपको इसको ऐसे करके ऊपर में ऐसे लाने के बाद, ठीक है, ये एकदम पूरा ऑटोमेटिकली अनफोल्ड हो जाता है। सो आप यहाँ से एकदम पूरा इजिली थर्ड रो में आप यहाँ पर एंट्री कर पाओगे, और आपको थर्ड रो में भी, ठीक है, यहाँ पर भी आपको एकदम पूरा जो एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, ठीक है, वो आपको दिया गया है। अभी गाइस मैं आपको इसका जो बूट है, ठीक है, वो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ इसका बूट आपको कैसा मिलता है। और गाइस आपको यहाँ पर एकदम पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रियर टेलगेट ओपनर आपको देखने के लिए मिल जाता है। और गाइस ये है बूट। आपको यहाँ पर एकदम पूरा 50-50 स्प्लिट फंक्शन के साथ, ठीक है, इसका जो रियर बूट स्पेस है वो आपको देखने के लिए मिल जाता है। अभी तो आप यहाँ पर नॉर्मली जो बैग्स वगैरह है, ठीक है, वो आप अभी यहाँ पर इजिली कैरी कर पाओगे, पर आप जब इन सीट्स को फोल्ड कर दोगे उसके बाद आपको यहाँ पर अच्छा खासा ह्यूज स्पेस आपको मिल जाएगा। अभी गाइस ये था एकदम पूरा रेनॉल्ट, ठीक है, रेनॉल्ट ट्राइबर RXC में आपको क्या क्या फीचर्स वगैरह कंपनी ऑफर करता है, ठीक है। अभी मैं आपको इसका जो इंजन है, ठीक है, वो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। सो गाइस आप यहाँ से, ठीक है, आप यहाँ से इसका जो फ्रंट का जो बोनट है वो आप यहाँ से एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। आपको यहाँ पर इसका जो कंट्रोल, ठीक है, वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। सो गाइस आपको रेनॉल्ट ट्राइबर में मिलता है 1 लीटर 3 सिलेंडर एनर्जी सीरीज पेट्रोल इंजन, और आपको इसमें 71 BHP का पावर, और आपको 96 Nm का टॉर्क, और आप इस इंजन से आराम से 15-16 KMPL का माइलेज आप इससे आराम से निकाल पाओगे। रेनॉल्ट ट्राइबर RXC बेस वेरिएंट का एकदम एक पूरा फुल डिटेल वॉकअराउंड रिव्यू। सो गाइस इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।